डेरा सच्चा सौदा की रेप पीड़ित की तर्ज पर स्कूल की छात्राएं प्रधानमंत्री को लिखा गुमनाम पत्र। दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए की कार्यवाही की मांग। दो कर्मचारियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज। गोहाना शहर के एक नामी ग्रामीण निजी स्कूल की एक छात्रा ने डेरा सच्चा सौदा की रेप पीड़ित साध्वी की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि स्कूल के दो कर्मचारियों ने उसके साथ दुष्कर्म करने को लेकर ईमेल भेजा है। गुमनाम ईमेल पत्र के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वही स्कूल प्रबंधन दोनों आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। अभी तक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किए हैं। पुलिस अभी जांच का हवाला दे रही है। गोहाना शहर के एक निजी स्कूल की छात्रा ने राम रहीम प्रकरण की तर्ज पर ही अनैतिक कार्य करने आरोप लगाते हुए पुलिस के अलावा प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। छात्रा द्वारा भेजे गए गुमनाम ईमेल पत्र में आरोप लगाया है कि वह स्वयं तो बर्बाद हो गई, लेकिन उसने हवस के भेड़ियों से अपनी सहेली को बचा लिया है। दोनों आरोपियों ने उसकी सहेली के साथ भी ऐसा ही करने का प्रयास किया था तथा उसी के हाथों उसे बुलाने का प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री के नाम ईमेल पत्र में लिखा है कि मोदी अंकल, मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, पर मैंने अपनी सहेली को बचा लिया। पत्र लिखने वाली छात्रा ने पूरी तरह अपनी पहचान छुपाई तथा किसी प्रकार की कोई पहचान सामने नहीं आने दी है। जानकारी के अनुसार तो पत्र भेजा गया है, वह हिंदी भाषा में लिखा गया है। जिन दो कर्मचारियों पर आरोप लगाया गया है वे दोनों स्कूल के नॉन टीचिंग स्टाफ में शामिल हैं। पत्र में छात्रा ने आरोप लगाया है कि दोनों कर्मचारियों ने उसके साथ गलत काम किया है, अश्लील वीडियो दिखाकर उकसाया तथा सेक्स करने के लिए मजबूर किया। पत्र के अनुसार आरोपी छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़ करते थे तथा उसे अपने साथ गुहाना के एक होटल में लेकर गए थे। आरोपियों ने उसे अपनी सहेली को बुलाने के लिए भी कहा। पीड़ित छात्रा द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि घटना के बाद वह आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन उसकी सहेली ने उसे लड़ने व आरोपियों को सजा दिलाने का हौसला दिया। पत्र के अनुसार छात्रा ने अपने आप को ग्रामीण क्षेत्र की होने की बताते हुए अपने घर भी नहीं बताया। उसे डर था कि कहीं उसका भाई उसे जान से ना मार दे। पुलिस ने ओम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नॉन स्टाफ के दो कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। शहर थाना पुलिस ने पत्र के आधार पर स्कूल के दो कर्मचारियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, आज ऑनलाइन एक कंप्लेंट प्राप्त हुई है ओम पब्लिक स्कूल के दो कर्मचारियों के खिलाफ। उसमें किसी ने अपना नाम नहीं लिखा है और उसने लिखा है मैंने टीचर को, प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को कंप्लेंट की। तो हमने स्कूल में जाकर टीचर से, प्रिंसिपल से और डायरेक्टर से इस संबंध में पूछताछ की है। उन्होंने इस बात से स्पष्ट इनकार कर दिया, हमारे पास कोई कंप्लेंट इस किस्म की नहीं, किसी बच्चे ने की है। और इस संबंध में सेक्सुअल हरासमेंट असाल्ट कमेटी गठित की हुई है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, स्कूल के अंदर ऐसी कोई अगर बात आती है तो हमने पूरे स्कूल के बच्चों को ये समझा रखा है कि भाई इस कमेटी के सामने अपनी शिकायत रखें, अगर कोई स्टूडेंट टीचर के सामने, पेरेंट्स के सामने ना कहना चाहे तो उससे स्टूडेंट्स की कमेटी के सामने भी ऐसी कोई बात नहीं आई है। सभी टीचर ने लिख के दिया है, मैं हमारे सामने कोई कंप्लेंट नहीं है। तो ये दोनों कर्मचारियों से, सुखवीर से और करमवीर से, हमने पूछताछ की है। किस पोस्ट पे हैं सर ये? करमवीर सको ओम पब्लिक स्कूल के अंदर अकाउंटेंट है और सुखवीर ओम पब्लिक स्कूल के अंदर स्टेट ऑफिसर है मैनेजमेंट के अंदर। दोनों से हमने अलग अलग पूछताछ कर ली, अच्छी तरह जाँच की है
और उनके मोबाइल फोन भी खंगाल लिए। पीएम साहब के नाम शिकायत है, सीएम साहब के नाम शिकायत है, डीजीपी साहब के नाम शिकायत है, और एसपी साहब के नाम शिकायत है, और एसएचओ सदर थाना के नाम शिकायत है, जबकि ये पुलिस स्टेशन सिटी के एरिए में आता है। स्कूल क्या लिखा गया उसमें? उस कंप्लेंट में यही लिखा गया कि ये दो कर्मचारी जो स्कूल के हैं, ये गुमनाम बच्चे ने शिकायत दिखा रखी है, वे मेरे साथ ये गलत काम करते रहे और मेरे को होटल में ले जाकर भी गलत काम किया। लिखा कब से करते आ रहे थे? नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं, गोलमोल है। उसने अपनी उम्र वगैरह कुछ बताई? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चीज ना क्लास लिखी है, ना उम्र लिखी है, ना नाम लिखा है और कुछ।